रोटी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूप जो वेजिटेबल्स के साथ है। विंटर्स आ गए हैं, लेकिन देखिए इसमें मैंने कोई भी पत्ते वाली सब्जी यूज नहीं करी है, क्योंकि क्या होता है जब हम लीव्स यूज करते हैं तो थोड़ा सा, जैसे पालक यूज करूंगी, कुछ और यूज करूंगी तो थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है। आज मैं सूप बनाऊंगी वेजिटेबल्स का, लेकिन उसमें वेजिटेबल्स पूरी घुलेंगी नहीं, ना हम सारी वेजिटेबल्स को उसमें मैश करेंगे। बिल्कुल कटकटा खाने वाला जैसा सूप होता है उस तरह से बनाऊंगी। इस सूप में इतना नरिशमेंट होता है कि बॉडी के डिहाइड्रेशन को भी ये खत्म करता है और वेजिटेबल्स का पूरा जो अंदर कमी है वो भी पूरी करता है। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 6 टमाटर, बिल्कुल लाल टमाटर लीजिए, खट्टे टमाटर मत लीजिए, या तो आप हाइब्रिड टमाटर लीजिए, बड़े साइज के टमाटर लीजिए, खट्टा टमाटर बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो सूप खट्टा बनेगा। अगर आपको खट्टे की चॉइस है तो आप मिक्स टमाटर भी ले सकते हैं, जैसे आपने 4 हाइब्रिड ले लिए, 2 आपने देसी टमाटर जो खट्टे से होते हैं वो ले लिए, ऐसे आप मिक्स कर सकते हैं। और मैंने ली है 1 बड़ा कप, आप समझ लीजिए 1.5 कप पत्ता गोभी है, कटी हुई है, बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं, देखिए किस साइज की कटी हुई है पत्ता गोभी। फूल गोभी के देखिए मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स ऐसे निकाल लिए हैं, इतने छोटे छोटे अलग एक से, और इसके जो फ्लावर्स के नीचे जो इतने बड़े बड़े डंठल होते हैं उनको भी मैंने गोल गोल काट के इसमें मिक्स कर लिया है, ये भी 1 कप है। उसके बाद मैंने लिया है 1/2 कप, से थोड़ा सा करीब 3/4 कप कैरेट है, देखिए ये भी छोटी छोटी कटी हुई है, इसके अंदर की जो ये बोन होती है, अभी कैरेट सर्दियों की नई आनी शुरू हुई है, इसमें जो अंदर बोन होती है इसको मैंने निकाल दिया है, ये बहुत सख्त होती है और ये गलती नहीं है बहुत जल्दी, तो उसको मैंने निकाल दिया है और कैरेट का बाहर का हिस्सा रखा है। सेम आजकल बहुत अच्छी आ रही है तो मैंने तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा ज्यादा 4-5 सेम ले ली है बारीक काट कर, देखिए ये भी बारीक काटी है। फ्रेंच बीन्स है, ये भी मैंने बारीक काट ली है फ्रेंच बीन्स भी, और मैंने अदरक ले लिया है बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून, आप अपनी इच्छा से ज्यादा भी कर सकते हैं। हरा धनिया मैंने 2 हिस्सों में काटा है, ये पत्ते पत्ते हैं जिनको मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है, और ये हरे धनिया की डंडी और पत्ता मिक्स करके मैंने काट के रखा। हरे धनिये की डंडियां मैं नहीं फेंकती हूँ, ये मैंने डंडी के साथ जो हरा धनिया काटा ये अलग है, और ऊपर जो पत्ते पत्ते होते हैं वो मैंने देखे बड़े बड़े काट करके रखे हैं, इनको मैंने बारीक नहीं किया है। अब इसमें मैं अगर मैंने डाला तो मैं इसमें ड्राई चुकंदर ऐड कर सकती हूँ, आप भी करिए, बहुत अच्छा होता है चुकंदर खाने में, तो वो हम अभी मैंने सुखा के रखा हुआ है, वो चुकंदर मैं इसमें ऐड करूंगी। लेकिन शुरू करने से पहले टमाटर मैं ब्लांच करूंगी, यानी गर्म पानी में मैं टमाटर बॉइल करूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये ड्राई चुकंदर है, इसका वीडियो मैंने आपको पहले दिखाया है, ये चुकंदर देखिए मैं इसको अपने सूप में डालूंगी, ये थोड़ा सा कटा हुआ बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता है ये भी मैं इसमें ऐड करूंगी। तो हम सूप बनाना शुरू करते हैं, पहले मैं टमाटर ब्लांच करूंगी, उबाल लूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये टमाटर मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं, बस इतना ही मैंने इसमें पानी डाला है कि टमाटर अच्छे से डिप हो गए हैं पूरे, तो इसको अभी हम जैसे ही बॉईल होने लगेंगे मैं इसका ढक्कन ढक दूंगी, और इसको मैं तब तक बॉईल करूंगी जब तक हमें टमाटर के छिलके ऊपर से सॉफ्ट नहीं हो जाते, हमें पूरे टमाटर घोटने नहीं है, इसमें घुलने नहीं देने हैं, बस टमाटर के छिलके टेंडर हो जाए हमें इतना ही इसको बॉईल करना। ठीक फ्रेंड्स इधर मैंने पानी चढ़ाया है, तकरीबन ये 1.5 लीटर पानी है, 1.5 से 2 लीटर पानी चढ़ाना है। उसमें मैं ये सारी सब्जियां मेरी देखिए लेकर के इनको कम से कम 1.5 घंटा में नमक और फिटकरी के पानी में भिगो के रखती हूँ, फिर उनका पानी सुखा के उनको मैं साफ करके फिर मैं कुकिंग शुरू करती हूँ। तो आप भी ध्यान रखिएगा इस चीज का, आप बेकिंग पाउडर भी उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। देखिए ये मैंने गोभी डाल दी इसमें, और ये मैंने इसमें गाजर डाल दी, ये बीन्स डाल दिए,
और ये सेम डाल दी। इसके साथ ही मैंने इसमें ये अदरक डाल दी। अब हम इनको अच्छे से बॉईल होने देंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा मैं इसको सिम कर दूंगी और ढक्कन लगा करके इसको तब तक उबालूंगी जब तक ये सब्जियां थोड़ी सी हल्की सी गल नहीं जाए, खाने लायक ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, टमाटोज ब्लांच हो गए हैं। ये देखिए इनका छिलका फट गया है, ये इजीली रिमूव हो रहा है ना। अब बस इसको मैं छिलका उतार लूंगी इनका सबका अच्छे से। ये देखिए ऐसे बड़े इजीली छिलका इसका रिमूव हो जाता है। और इसका छिलका रिमूव करके मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूंगी कि ये हाथ लगाने लायक हो जाए, फिर मैं इसके पीसेस कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये सूप में बॉईल आने वाला है, बिल्कुल आने लग रहा हो रहा है। इसमें देखिए झाग आ रही है, इन झाग को मैं निकालती जाती हूँ। ये झाग हम नहीं रखेंगे। देखिए आप ऐसे चलाइए, आपको देखिए साइड में ना जितने भी झाग आते दिखते हैं इनको आप निकाल दें। मैं निकाल दिए हैं, फिर ऐसे चलाइए, फिर देखिए आपको थोड़े थोड़े झाग दिखाई देंगे। निकाल दिया था मैंने, तो ये बस हल्के हल्के से झाग आएंगे, ज्यादा आते नहीं है, पर जो आए उनको आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये वेजिटेबल्स में से कुछ जो ऐसे जूसेस हैं निकल रहे हैं, इनको हमें यहाँ नहीं रखना। ये आपके सूप का टेस्ट भी थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं और ये झाग जो है ना आपके सूप को क्लियर नहीं रहने देते हैं। तो इन झाग को मैंने निकाल दिया है। अब ये शुरू के ही झाग निकालने हैं। अब देखिए बिल्कुल झाग नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं क्लियर है बिल्कुल सूप, है ना। अब मैं देखिए बॉईल आने लग रहा है, मैं इसको ढक करके धीमी आंच पर इसको मैं पकाऊंगी जब तक ये गोभी और गाजर, यही टाइम लेते हैं गलने में, ये बिल्कुल इतने नहीं गल जाएं कि आप आराम से इसको खा सकें, या घर में जो बूढ़े या बच्चे हैं वो आराम से इसको चबाकर खा सके। कटकटा मत रखिएगा, बिल्कुल घोटिएगा नहीं, लेकिन इसको इतना खाने लायक हमें रखना है कि इसको इजीली हम बिना दांतों वाले भी इसको इजीली खा सके, इतना हमें इसको गला लेना है। इसको मैं ढक रही हूँ और फ्लेम को मैं सिम कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर पकड़ने लायक हो गए हैं और इनका देखिए मैंने पूरा छिलका उतार दिया है। और अब मैं इनको काट लूंगी बारीक बारीक, इनको मैं काट लूंगी। ये देखिए इसको बहुत ही टेंडर हो गए हैं, इनको मैं बारीक बारीक काट लूंगी। आप इनका सीड नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं, छान भी सकते हैं। और ये इतने मुलायम हो गए हैं कि ये आराम से कट जाएंगे, और आप इनको स्ट्रेन करना चाहेंगे तो ये स्ट्रेन भी हो जाएंगे, और आप इसको मैशर से मैश करना चाहेंगे तो ये मैश भी हो जाएंगे। देखिए ऐसे पीसेस में मैंने काट लिया है, बहुत बारीक भी नहीं करना है, इतना ये हो गए हैं। इसको मैं सूप में अभी ऐड कर दूंगी, हल्का सा इसको बस मैं मैशर से मैश कर दूंगी। वैसे आप इसको आराम से आप इसको छान कर इसका गूदा भी डाल सकते हैं, ये बहुत ही इजीली, अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी मैशर से मैश हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से ये मैशर से मैश हो रहा है, ये देखिए। वैसे आप इसको चाहें तो छलनी से अच्छे से छान भी सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कितने आराम से ये मैशर से मैश हो गए। फ्रेंड्स ये सब्जी बॉईल हो रही है, अभी हम इसको चेक करेंगे ये कितनी गली है। देखिए इसमें मैंने गोभी घेर के डाले हैं, सब्जी बहुत गर्म है। देखिए हमारे आपके खाने लायक हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको 5 मिनट और गलाऊंगी, लेकिन अब इतनी गल गई है कि मैं इसमें टमाटर ऐड कर सकती हूँ। मैंने आपको बोला आप टमाटर का पल्प निकाल के भी आप इसको इसमें डाल सकते हैं, मैंने इसी तरह डाला है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अपनी जो पत्ता गोभी काटी है इसको भी ऐड कर देती हूँ। ये थोड़ा सा कढ़ी पत्ता है, इसको ऐड कर दिया है।
और ये डंडी वाला जो हरा धनिया है इसको ऐड कर दिया है। अब आप देखिए सब्जियों ने देखिए कितना पानी छोड़ा है और ये बढ़ गई है, है ना, देखिए काफी ये बढ़ गई है। अब हम इसको कम से कम 7-8 मिनट इसको हम पकाएंगे सिम के ऊपर। उसमें हम फिर इसको 5 मिनट बाद में एक बार चेक करूंगी इसको। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूं, ये देखिए चुकंदर मैंने जो ड्राई चुकंदर था उसको पीस लिया है, इसको भी मैं इसमें मिक्सी से इसमें निकाल करके इसमें ऐड कर दिया है। मैंने आपको दिखाए थे चुकंदर के पीसेस, वो ड्राई चुकंदर मैं रखती हूँ सुखा करके। इससे देखिए आप कलर और नरिशमेंट दोनों कितना रिच हो जाता है। अब हम इसको 7-8 मिनट के लिए सिम पर पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स सारी वेजिटेबल्स दिख रही हैं, है ना। आप इसमें मटर और प्याज और गार्लिक अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, हरी मिर्च भी आप ऑप्शन है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। अब इसमें हम इसके हिसाब से नमक डालेंगे, जो हम कम डालेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा नमक बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और नमक आप बस इतना ही डालिए कि आपको हल्का सा, क्योंकि सब्जियों में अपना सॉल्ट होता है, कि बस आपको नमक का टेस्ट आए। नमक इसमें बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसमें नींबू और विनेगर आप कुछ भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इसमें एप्पल साइडर विनेगर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चीनी या गुड़ आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा डाल सकते हैं, बहुत जरा सा, मतलब हाफ टी स्पून। इसमें आप हनी यूज कर सकते हैं आपका मन है तो। देखिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी सर्विंग करती हूँ। अब इसमें मैं देखिए थोड़ा सा हरा धनिया अंदर डाला है, थोड़ा सा इस समय मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको मैं बंद कर देती हूँ और मैं सर्विंग के लिए इसको टेबल पे रखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए, ये थोड़ा मसाला है पिसा हुआ, इसमें तेज पत्ता है, एक तेज पत्ता, 2 लौंग और 7-8 काली मिर्च है इसमें, और थोड़ी सी दालचीनी है तकरीबन 1/2 टीस्पून, वो मैंने इसको पीस लिया है। थोड़ा सा इसमें भुना जीरा है पिसा हुआ, ये सब मैंने पीस लिया है, और ये टोटल मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। इसमें मैंने इसमें मिला दिया है, इसमें खुशबू आ गई है। आप इसमें तेज पत्ता डालना चाहते हैं शुरू में डाल दीजिए, लेकिन क्या होता है तेज पत्ता कोई खाता नहीं, तो हम तेज पत्ता निकाल करके फेंक देते हैं या उसको हम अलग कर देते हैं, तो आपका एक तेज पत्ता खराब होता है। तो हमें अपने सामान को खराब नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं तेज पत्ते को थोड़ा सा सेक करके कढ़ाई में गर्म करके मसाले के साथ पीस लेती हूँ और फिर मैं उसको धीरे धीरे ऐड करती जाती हूँ। मैं अपने गरम मसाले में भी तेज पत्ता जरूर डालती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी चीजें वेस्ट नहीं होती हैं। अब हम इसको इसमें पोर करेंगे, डालेंगे इस तरह से, थोड़ा सा हम ये सूप डालेंगे। सूप ऊपर आ गया, वेजिटेबल्स नीचे बैठ जाती हैं। इस तरह से ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये सूप हो गया। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नींबू का रस, बस इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नींबू का रस डाला है। थोड़ा सा इसमें मैंने ये डाला है हरा धनिया, और देखिए आप डिल लीफ भी यूज कर सकते हैं, और ये सूप तैयार है। ये ऐसा वेजिटेबल सूप है जो नरिशमेंट से भरपूर है, पोषण से भरपूर है, और इतनी ताजगी देने वाला है और बॉडी को नरिशमेंट देने वाला है। पूरी सब्जियों का सत इसमें आपके बदन में पहुंचेगा, बॉडी में एक ताजगी रहेगी और स्किन पर हमेशा निखार रहेगा। तो पूरी सर्दियां आप ये सूप पीजिए और इसका फायदा उठाइए। तो बड़ा कलरफुल सूप है और उतना ही टेस्ट में भी लाजवाब है। अनूठी में विजिट करते रहिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। Thank you so much, friends. Thanks a lot.